हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पांचाल। ओके, तो गाइज आज का जो हमारा सेट है इट्स अबाउट योर वेन डायग्राम, ठीक है। और ये बहुत अच्छा सेट है, आई मीन इसमें वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हमने मोस्टली हम लोग वो सेशन या वो सेट्स करते हैं वेन डायग्राम में, दे हैव अ वेरी डायरेक्ट वैल्यूज, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि सिंपल सा परसेंटेज या रेशियो से मुझे डील करना है, ठीक है। और उसमें एक इक्वेशन मैनिपुलेशन होता है और आराम से मेरी एग्जैक्ट वैल्यूज निकल जाती है, ठीक। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ना, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने उसको वैल्यूज तक पहुँचने के, ठीक है। तो इट्स अ परफेक्ट फॉर एस बी आई पी ओ मीन्स, मेरे हिसाब से प्योर परफेक्ट आपका सेट है एस बी आई पी ओ मीन्स के, ठीक है। तो आप एक बार इसको जरूर खुद से ट्राई करो। इफ यू फाउंड एनी डाउट देन यू विल गो फॉर द वीडियो सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है कि आप कहीं फंस रहे हो देन तभी आप उसके सॉल्यूशन पे जाइएगा, अदरवाइज ट्राई इट, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपका हिंदी में भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को अगर हिंदी में चाहिए तो आराम से इस क्वेश्चन को आप हिंदी में देख सकते हो। हालांकि इंग्लिश और हिंदी में इसमें लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है कि आपको इंग्लिश में भी इंटरप्रेट करने में इसको दिक्कत आए, ठीक है। बाई चांस अगर आपको हिंदी में कोई आपको समझ नहीं आया लाइन या बहुत ज़्यादा कुछ हिंदी का हो गया तो आप उसको आराम से इंग्लिश में देख सकते हो, ठीक। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे आप, है ना। यही सेम सेट इस लेवल का ऑब्वियसली बात है ना, इस लेवल की आपके मिलती है एग्जाम में, आएंगी आई मीन आती हैं, ठीक है। आएंगे आएंगे ही तो ये तो कोई नहीं कह सकता, बट हाँ आते हैं, ठीक है। तो आप ना कैसे इस क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे हैंडल करोगे ना, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो खुद से ट्राई करो आप, है ना, और आप देखो कि कैसे आप इसको डील करो, ठीक। चलिए तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है हिंदी में। आई एम जस्ट टेकिंग अ पॉज ऑफ 5 सेकंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर आप कर सकते हो उसको आराम से, आई मीन बार बार आपको मूव करना नहीं पड़ेगा। चलिए तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें मुझे दिया हुआ है। देखो स्टेप बाय स्टेप मुझे इंटरप्रेट करना है कैसे मैं आपका स्टेटमेंट इंटरकनेक्शन करूंगा, वो इम्पोर्टेंट है इससे। चलिए तो देर आर 500 पीपल रिसाइड्स इन ली स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क। ओके, आउट ऑफ 500 पीपल 300 पीपल आर कोविड पॉजिटिव। तो गाइस सिंपल है, टोटल जो था वो मेरे पास 500 बंदे थे जिसमें से 300 को मेरे पास क्या है, कोविड पॉजिटिव, ठीक है। अब उसमें क्या दिया हुआ है इसने, आउट ऑफ कोविड पॉजिटिव पीपल 1/3 आर लेस देन 45 ईयर्स एज वाइल रेस्ट आर 45 ईयर्स एज और। तो टोटल था 500 जिसमें से 300 की वो कोविड पॉजिटिव की बात कर रहा है, उसमें से भी इसने एक दो क्लासिफिकेशन कर दिया। वो ऐसे पर्सन जिनकी एज क्या दी हुई है, 1/3 आउट ऑफ कोविड पॉजिटिव पीपल 1/3 आर लेस देन 45 इयर्स एज। गाइस 1/3 आपके लेस देन 45 इयर्स एज होंगे और बाकी जो बचा होगा 2/3 वो वाला पार्ट मेरे पास कौन सा होगा, 45 की एज के इक्वल या 45 से ज्यादा। तो मुझे पता चल गया कि लेस देन 45 वाली एज वाले मेरे पास डाटा होगा 100 और इसका 2/3, ये मैंने कितना हो गया मेरे पास 200, ठीक। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर द लेमन लैंग्वेज, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। बहुत सेट आपने किए होंगे, है ना, कि भाई कुछ 3 एट्रीब्यूट्स हैं, वट एवर, इसमें गर्ल्स हैं और कुछ क्या दिए हुए हैं, बॉयज दिए हुए हैं। तो बॉयज के लिए अलग मुझे डील करना है, गर्ल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अलग से डील करना पड़ता है, ठीक। ऐसे आप देखो कि यहाँ पर -45 से कम एज के लिए अलग डील करना पड़ेगा, 45 से ज्यादा के लिए आपको अलग डील करना, ठीक ना। तो कोविड पॉजिटिव पीपल हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 सिम्टम्स, फीवर, चेस्ट पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट। तो गाइज अब यहाँ बोल दिया इसने एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सिम्टम्स, इसका मतलब 2 सिम्टम्स भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते। कोविड पॉजिटिव में ऑलरेडी मेरे पास 3 सिम्टम्स होंगे ही, ठीक है, 1, 2 या 3। जिनके 0 सिम्टम्स है, आई मीन जिनको कोविड पॉजिटिव नहीं है, वो कितने पीपल्स होंगे, 200 पीपल, ठीक है। तो अभी मुझे जो फिलहाल डील करना है वो 300 बंदों से डील करना है, ठीक। तो अब मुझे पता चल गया कि सिंपल अब एक 3 एट्रीब्यूट्स वाला वेन डायग्राम है, सिंपल से 3 मैंने एक सर्कल्स बना लिए, ठीक है। 3 सर्कल से अभी मुझे डील करना है, ठीक। और दिस इज व्हाट फीवर, और ये मेरे पास क्या दिया हुआ, चेस्ट पेन, और लास्ट मेरे पास क्या, लॉस ऑफ टेस्ट, ठीक। अब एक एक स्टेप, यानी आप अब इसको कैसे डील करोगे, आई मीन आगे अभी आपको पता चलेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ते जाएंगे, ये थोड़ा सा और एक्सपेंड होता चला जाएगा,
ठीक, तो फिलहाल जो अभी मुझे समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल सा एक मैंने वेन डायग्राम बनाया जिसमें मुझे 300 पर्संस को डील करना है, फीवर, चेस्ट और लॉस ऑफ टेस्ट, जिसमें अभी -45 कम एज वाले कितने होंगे, 45 से उससे ज्यादा एज वाले कितने होंगे, वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें निकालने का। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट अब आप आ जाओ, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हैविंग फीवर, मतलब हैविंग फीवर बोला, ओनली फीवर तो नहीं बोला, तो फीवर के लिए आपका पूरा सर्कल आ जाएगा, दिस इज दिस होल सर्कल, सेम एज दोज हैविंग चेस्ट पेन, सही सिंपल है, फीवर वाला डाटा, चेस्ट पेन वाला डाटा, दे बोथ आर सेम, तो फीवर यहाँ मैंने लिख दिया टोटल सर्कल 200, चेस्ट पेन दिस इज ऑल्सो टोटल सर्कल 200 मेरे पास आ जाएगा, आई होप दिस इज क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल नॉर्मल थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको आप हटा दो, फर्स्ट हमने इंटरप्रेट, सेकेंड आ जाइए, द नंबर ऑफ पीपल हैविंग ऑल थ्री सिम्टम्स आर 29, सिंपल, ऑल थ्री वाला डाटा मेरे पास कितना आ जाएगा 29, अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ, ऑल पीपल हैविंग चेस्ट पेन ऑल्सो हैव एट लीस्ट वन मोर सिम्टम, गाइज ये एक फर्स्ट थोड़ा सा इंटरप्रेट करने के लिए ये मुझे लाइन दी हुई है कि वो क्या बोल रहा है कि जिन पर्सन को चेस्ट पेन है ना, उनके पास आई मीन दोज आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम, उनको चेस्ट पेन के अलावा कम से कम एक ना एक सिम्टम और, एटलीस्ट वन मोर, तो गाइस चेस्ट पेन प्लस क्या हो सकता है आपका, आपका लॉस ऑफ टेस्ट, या चेस्ट पेन प्लस आपका क्या हो सकता है फीवर, क्योंकि अकेला चेस्ट पेन तो नहीं होगा ना मेरे पास, उसने बोला है ऑल द पीपल हैविंग चेस्ट पेन ऑल्सो हैव एटलीस्ट वन मोर सिम्टम, यानी चेस्ट पेन के साथ उनको जो प्रॉब्लम होगी या तो लॉस ऑफ टेस्ट की भी होगी या फिर क्या होगी आपके पास फीवर भी होगा या दोनों भी हो सकते हैं, चेस्ट पेन प्लस लॉस ऑफ टेस्ट प्लस फीवर। तो इस स्टेटमेंट से ये निकला कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कोविड पॉजिटिव होगा जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चेस्ट पेन। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मुझे इंटरप्रेट करना था, हालांकि बहुत नॉर्मल है बट क्या इसने इनडायरेक्ट वे में आपको दे दिया एटलीस्ट वन मोर सिम्टम, द सिंपल कि ओनली वाला चेस्ट पेन, दिस पोर्शन इज ओनली दिस पोर्शन चेस्ट पेन, दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट इज यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब आप देखो कि देखो लाइन आप कैसे मतलब इक्वेशंस जो आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो है ना, उससे डाटा कैसे कैसे आप निकालते हो वो इम्पोर्टेंट है, फिलहाल अभी जो मुझे समझ में आ रहा है ना वो मैं निकाल देता हूँ। देखो दिस सर्कल इज 200, समझना ये मेरे पास 200 है ना, ये वाला डाटा जीरो, तो आप समझो टोटल जो कोविड पॉजिटिव का मैं अभी सिनेरियो कर रहा हूँ दिस इज व्हाट 300, तो कैन आई से ये दो रीजन जो होंगे ये वाले दो रीजन, देखो दिस इज 200, ये तीन रीजन बचे 1, 2 and 3, इनका जो सम होना चाहिए वो मेरे पास कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, क्यों 100 होना चाहिए क्योंकि ये सारा रीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिला के 300 आ रहा है, 200 ये पूरे इस चार रीजन ने ले लिया, तो ये तीन बचे हुए जो रीजन होंगे वो कितने होंगे मेरे पास, कहना ही राइट कि ये तो जीरो है ना, तो ये वाला जो रीजन मिला के होगा दिस रीजन एंड दिस रीजन इज इक्वल टू व्हाट 100 आ जाएगा। ठीक, आई मीन अभी शायद मुझे इसकी जरूरत है या नहीं है वो नहीं पता अपने को है ना, आगे हम लोग देखेंगे शायद दो रीजन की जगह इंडिविजुअल रीजन भी निकल जाए, बट आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग कि हाँ ये दो रीजन का वैल्यू मेरे पास 100 होना चाहिए। नेक्स्ट अब आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, तीन स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, ज्यादा एफर्ट नहीं लगा मेरा, चलिए नेक्स्ट आ जाओ, द नंबर ऑफ पीपल दोज हैव फीवर, आई वाज टॉकिंग अबाउट दोज डोंट हैव फीवर, वो पर्सन जिनको बुखार नहीं है, कोविड पॉजिटिव के ही बारे में बात कर रहा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो नोन अबाउट ऑन कोविड पॉजिटिव, ठीक है, तो द नंबर ऑफ पीपल दोज हैव फीवर, डोंट हैव फीवर, जिनको फीवर नहीं है, तो गाइज ये पूरा फीवर था मेरे पास, दिस इज व्हाट फीवर, ठीक है, जिनको फीवर नहीं है तो ये 1, 2 और 3 रीजन बचे, ये वाला रीजन तो नहीं होगा, तो दिस रीजन और दिस रीजन यहाँ पर 100, यानी जिनको फीवर नहीं है वो वाला डाटा कितना आ गया मेरे पास 100, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल लेस देन 45 इयर्स एज एंड द नंबर ऑफ पीपल ऑफ 45 इयर्स एज और मोर इज 1:3, अब गाइज इसने बाइफर्केशन कर दिया, अभी तो मेरा एज ए होल यूनिट चल रहा था कि इसमें मेरे पास -45 + 45 का कोई बाइफर्केशन आपका नहीं दिया हुआ था, अब इसने क्या कर दिया कि -45 वाला डाटा भी मांग रहा है और +45 वाला डाटा भी मांग रहा है, अब आपकी यहाँ पर चॉइस आ जाती है क्या आप इसी एक सिंगल वेन डायग्राम से डील कर पा रहे हो इक्वेशंस लेके, आई मीन इज इट कंफर्टेबल फॉर यू कि एक ही वेन डायग्राम में आप दो बाइफर्केशन कर दो जैसे बॉय एंड गर्ल का आप करते हो, तो मैं क्या करता हूँ समझने के लिए दो अलग वेन डायग्राम बना लेता हूँ,
किसके लिए? -45 एंड +45, ठीक है। जैसे आप गर्ल के लिए अलग बनाते थे है ना थ्री एट्रीब्यूट्स, है ना, बॉयज के लिए अलग बनाए थ्री एट्रीब्यूट्स, और चाहो तो आप एक में डील कर सकते हो, चॉइस अब आपकी है। लेकिन बिल्कुल इलैबोरेट करने के लिए, समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो अलग अलग वेन डायग्राम्स बना लेता हूँ। यस दिस इज, ठीक, ये मेरे पास क्या हो जाएगा -45 इंच के लिए। ये -45 वाला जो डाटा था टोटल, वो कितना स्टार्टिंग में हमने निकाला था, दिस इज 100, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो है ना, ये +45 वाला डाटा आ जाएगा मेरे पास है ना, जिनकी एज 45 या उससे ज्यादा है, वो वाला डाटा मैंने कितना निकाला था आपके पास 200, स्टार्टिंग में मैंने ये डाटा निकाला था, दिस इज व्हाट 200, ठीक। अब इसने क्या दिया था, इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट जैसे ही मैंने किया, मुझे पता चला कि मैं अभी फिलहाल कंफर्टेबल हूँ तो अलग 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 आपके वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने अलग किया तो आप भी अलग करोगे, ठीक है। इट्स डिपेंड कि आप अगर सिंगल में बाइफरकेट कर पा रहे हो, डील कर पा रहे हो, तो आप सिंगल से भी कर सकते हो। अब आप देखो इन दोनों का जो भी रीजन का सम आएगा, सपोज ये रीजन प्लस ये रीजन, ये दोनों मिला के सिर्फ ये वाला रीजन होल पूरा रीजन डिस्ट्रीब्यूट आपका करेगा, ठीक है। ये पूरे दोनों का सम दिया हुआ है, दिस इज द सम ऑफ दीज टू, -45 एंड +45। यहाँ पर थे हम लोग, क्या कह रहे थे, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लेस देन 45 ईयर्स एज एंड नंबर ऑफ पीपल 45 ईयर्स एज मोर 1:3 का रेशियो दिया हुआ है, किसमें डोंट हैव फील। तो गाइज अब पहले आप देखो कि देखो ये होल रीजन जीरो है, तो कैन आई पुट इट कि दोनों का जो सम भी होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। जब होल वैल्यू जीरो है तो ये वाला पार्ट भी कोई चेस्ट पेन वाला नहीं होगा, यहाँ भी कोई चेस्ट पेन वाला आपका नहीं होगा। इसे आप ऐसे कर लो, फीवर हो गया, दिस इज व्हाट चेस्ट पेन एंड दिस इज लॉस ऑफ टेस्ट, FCLE, ठीक। अब ये पूरा सर्कल प्लस ये पूरा सर्कल किसके को आना चाहिए, 200, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब इसमें आपको बाइफरकेट करना है क्या, कि जो नो फीवर वाला डाटा था टोटल था कितना 100, जो अभी अभी मैंने निकाला, जिनको फीवर नहीं है, दिस इज 200, जीरो था ये 100 निकाला, इसमें +45 एंड -45 आपको करना है, उसका रेशो 1:3। तो गाइज ये 1:3 की रेशो में जब मैं डिवाइड करूंगा, दिस इज 25 एंड दिस इज व्हाट 75, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इन दोनों रीजन का सम, इसका सम और इसका सम, ये मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है, दिस पार्ट इज इक्वल टू 25 है ना, और ये दोनों रीजन जो मेरे पास निकल कर आ रहे हैं, दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट 75। हालांकि ये तीनों का है, विदाउट फीवर जो होगा वो 1, 2 एंड 3 होगा, बट ये तो जीरो है, दैट मींस इन दोनों का सम ही मेरे पास कितना होगा 25, इन दोनों का सम ही मेरे पास कितना होगा 75, ठीक है। तो आई होप ये आपको, ये अच्छी एक स्टेटमेंट थी, ठीक है, आप इसको आराम से डील कर पा रहे हो, ठीक है। 25 एंड 75 मेरा डाटा यहाँ पर निकल। नेक्स्ट आप आ जाइए, द नंबर ऑफ पीपल, ये भी हमने इंटरप्रेट कर ली, द नंबर ऑफ पीपल 45 ईयर्स एज और मोर, यहाँ से मुझे डील करना है ना 45 ईयर्स एज और मोर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हैव फीवर, हैव ओनली फीवर। तो गाइस सिर्फ ओनली फीवर वाला ये रीजन आ गया, आई होप ये रीजन आपको क्लियर होंगे, इंटरप्रेट आप कर पाते हो, ठीक है। ये वाला रीजन ओनली फीवर, दिस रीजन एंड बोथ फीवर एंड लॉस ऑफ टेस्ट बट नॉट चेस्ट पेन, फीवर एंड लॉस ऑफ टेस्ट बट नॉट चेस्ट पेन, दिस इज फीवर, लॉस ऑफ टेस्ट कॉमन रीजन ये वाला आया था, दिस इज योर कॉमन रीजन। इस कॉमन रीजन में मुझे क्या करना है कि मुझे चेस्ट पेन नहीं चाहिए, तो गाइस चेस्ट पेन नहीं चाहिए तो मुझे ये वाला जो डाटा था चेस्ट पेन वाला डाटा, ये वाला मैं निकाल दूंगा, ये इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। थर्ड वाला रीजन क्या दिया हुआ है, बोथ फीवर एंड चेस्ट पेन बट नॉट लॉस ऑफ टेस्ट, बोथ फीवर, दिस इज बोथ फीवर एंड दिस इज बोथ चेस्ट पेन बट नॉट लॉस ऑफ। तो गाइस ये वाला रीजन आप हटा दो, दैट मींस इस रीजन के लिए उसका रेशियो अपने को क्या दिया है 4:1:6, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूं है ना, इनको x मान के अभी फिलहाल मैं फिलहाल के लिए x मान लेता हूं ताकि मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। जस्ट वेट, आगे अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन पता चलती है तो मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा वैल्यूज के। फिलहाल दिस इज 4a, ये a था और ये वाला जो डाटा आ गया दिस पार्ट इज इक्वल टू 6a, ठीक। ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आ जाइए, एक लास्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास बची है, लास्ट इंफॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है इसने, द नंबर ऑफ पीपल लेस देन 45 ईयर्स एज, द नंबर ऑफ पीपल लेस देन 45 ईयर्स एज इसकी बात हो रही है, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हैव फीवर ओनली, फीवर ओनली गाइज ये वाला आ गया सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन, बोथ फीवर एंड लॉस ऑफ टेस्ट बट नॉट चेस्ट पेन,
बोथ फीवर लॉस ऑफ टेस्ट बट नॉट चेस्ट पेन. तो गाइज ये सेम है आई थिंक, ये वाला रेशियो जो दिया हुआ है इन रीजंस का, रीजन सेम है. एंड लास्ट और देख लेते हैं, बोथ फीवर एंड चेस्ट पेन बट नॉट लॉस ऑफ टेस्ट. गाइज इज इट ओके, है ना, ये मेरे पास आ गया. इसका भी रेशियो आप ले लो 3B, एंड दिस इज वॉट बी, एंड दिस इज वॉट कितना आ जाएगा 4B. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई थी सारी मैंने इंटरप्रेट कर ली है. अब आपको कैसे डील करना है, यहाँ आप कैसे आप मैं सिचुएशन को हैंडल करते हो वो इम्पोर्टेंट है. अब आप देखो मुझे ये तीन रीजन की वैल्यू पता है, 1, 2 एंड 3, इन दोनों, यानी ये पूरा सर्कल मिलाया और ये पूरा सर्कल मिलाया, इसका जो सम आना चाहिए कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए. गाइस आप देखो, अगर ये 29 है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1, 2 और 3 सिर्फ इस इन तीनों रीजन का जो सम होगा कितना हो जाएगा, दिस इज 200 माइनस 29 है ना, दिस इज इक्वल टू 170. ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे 1, 2, 3 ये रीजन और 1, 2, 3 ये रीजन, ये मुझे कुछ वेरिएबल्स की फॉर्म में दिए. तो यानी 1, 2, 3 इन इस तीन रीजन और इन तीन रीजन का जो सम होगा मिला के बराबर किसके होना चाहिए, 1, 2 एंड 3 विच इज इक्वल टू 170. ठीक, तो कैन आई राइट कि 3b प्लस 4b प्लस b, दिस इज व्हाट 8b. ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 6, 4 एंड a, दिस इज 11a एंड दिस इज इक्वल टू 171 आपके पास. आई होप दिस इज क्लियर. आई एम जस्ट रिपीटिंग, टोटल 200 था इन दोनों का, टोटल दोनों का है ना, तो उसमें से 229 सब्ट्रैक्ट किया, ये तीन रीजन आ गए. तो यानी इन दोनों का, इन तीन रीजन और इस तीन रीजन का टोटल कितने इसके इक्वल होना चाहिए, इसके तीन रीजन के टोटल, दिस इज इक्वल टू 170. तो जस्ट वेट, अब आपको इस सिचुएशन से डील करना है. आप इस सिचुएशन से कैसे डील करते हो, क्या मैं यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट वेट है ना, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ. This is 11a plus 8b, this is equal to 170. ठीक, अब मुझे ये पता है कि भाई ये जो मल्टीपल चेक, एक इक्वेशन है, बहुत सारे इसकी यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो शायद नहीं होना चाहिए, मे बी हो भी सकता है और ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है. तो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस लेट इट बी 8b इज इक्वल टू 171 माइनस 11 एंड b की जो वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 171 माइनस 11a बाय 8. तो दिस इज वेरी श्योर बी जो होना चाहिए शुड बी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ इट, है ना, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन मेरे पास पॉसिबल नहीं है पॉइंट्स. गाइस अब आप देखो, ए की वैल्यू पुट करो रेंडम, बी की वैल्यू पुट करो, लेट इट बी ए, ए को अगर आप 1 पुट कर देते हो तो बी जो मेरे पास निकल आया, दिस इज 171 माइनस 11 इनटू 1, दिस इज व्हाट 11 इनटू 1, 1 पुट किया 11 आया बाय 8, दिस इज व्हाट 160 बाय 8, दिस इज इक्वल टू 20 मेरे पास आ जाएगी बी की वैल्यू. गाइज अभी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना, वैल्यू पुट करके मुझे देखनी पड़ेगी कैसे मैं इसको डील करूँगा. एक वैल्यू ये आई है मेरे पास जो पॉसिबल है. अब आप खुद समझो क्या और वैल्यू पॉसिबल है. आप ए को क्या पुट करके देखोगे, 2 पुट करके देखोगे. सिंपल, ए को आपने क्या पुट करके देखा, 2 पुट करके देखा. तो सिंपल है, बी की जो वैल्यू है, दिस इज 171 माइनस 11 इनटू 2, दिस इज व्हाट 22 बाय 8. तो ऑलरेडी 160 आ गया था एक बार 11 घटाने पर, एक बार और इसमें से 11 घटा दोगे, दिस इज व्हाट 151.49 बाय 8 व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 1 रखी, ए की वैल्यू फिर 2 रखी, 2 पे पॉसिबल नहीं है. गाइस ऐसा तो है नहीं कि मैं 3, 4, 5 सारी वैल्यूज आपकी पुट कर करके दिखूंगा, हालांकि होना तो ऐसे ही है, बट आपको थोड़ा सा लॉजिक दिखना चाहिए. दिस दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रिकी. आप खुद समझो, यहां पर 171 में से समझना 11 सब्ट्रैक्ट करने पे 8 का मल्टीपल बन रहा था, कितना आया था यहाँ पर 160 समझना. अब आप जब 11 का नेक्स्ट मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 11 और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, उसको डिवाइड करोगे. आप खुद सोचो 161 में से जब आप नेक्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड बाय 8 करोगे, तो जब ये आपका दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो ऑब्वियसली यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 होना ही चाहिए, तब जाके पूरी जो वैल्यू बी की आएगी मल्टीपल ऑफ 8 आएगी. आई होप आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन. देखो ए को 1 रखा तो 160 आया. अब अगली 11 में की वैल्यू 11 इंटू 2 रखोगे ना, तो इसका मतलब क्या है, 160 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, दिस इज 8, तभी तो मेरा 149 आया. तो मैं ये कह रहा हूँ 160 अगर इट्स अ मल्टीपल ऑफ 8,
तो यहाँ भी मल्टीपल ऑफ 8 आना चाहिए और जो 11 का मल्टीपल हो। तो गाइस सिंपल देखो ना, 11 में और 8 के जो कॉमन मल्टीपल है वो तो 88 ही बनेगा ना, उससे पहले तो कोई कॉमन मल्टीपल बनेगा ही नहीं। तो दिस इज वेरी श्योर यहाँ पे जो अगली वैल्यू आने वाली है दिस इज इक्वल टू व्हाट 88। आई होप दिस इज क्लियर है ना। तो ये मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पर 20 माइनस कितना है 11, नेक्स्ट वैल्यू श्योर भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप जो भी वैल्यू रखोगे वो 88 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए। अगर आप 88 का अगला मल्टीपल देखते हो, दिस इज 160 माइनस 88 का, जब अगला मल्टीपल देखोगे तो आपका वो 176 आएगा जो नेगेटिव मेरे पास। गाइस बहुत अच्छा ये पोर्शन था इस क्वेश्चन को लेके कि आप वैल्यू ऑप्टिमाइज कैसे करो। ठीक है, तो सिंपल अब हो गया क्योंकि 160 जो था 11 यानी 171 में से 11 गया, कितना बचा 160, फिर आपने 88 और सब्ट्रैक्ट किया था, दैट मींस जो आपको जो टोटल सब्ट्रैक्ट करना पड़ा कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 171 में से 99, मतलब ए की वैल्यू भी यहां पर कितनी आनी चाहिए 171 में से अगर 99 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 72/8, दिस अगेन इक्वल टू। तो गाइज मुझे पता चल गया ए को अगर मैं 9 पुट करता हूँ तो बी भी मेरे पास कितना आना चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा। तो देखो वे आपका कैसे डील कर रहे हो ना, आप मल्टीपल्स वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन कैसे आप कर रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख रख के भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, 11, 11 बार बार सब्ट्रैक्ट करके। मैंने बस यहाँ पे ये इंटरप्रेट किया है, आई एम जस्ट रिपीटिंग, जब फर्स्ट मल्टीपल हटाया 11 का तो 160 आ रहा, अब उसमें से 11 का ही तो मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 और 8 का जो कॉमन मल्टीपल है वो सिर्फ 11 × 80 तो होगा, दिस इज व्हाट 88, 160 माइनस 11 × 8, तो तभी जाके ये 8 का मल्टीपल आपका बन पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आप एक बार इफ यू फाउंड इट एनी डाउट इन दिस पोर्शन तो जस्ट प्लीज आप एक बार वीडियो देखो है ना, इफ यू फाउंड अगेन एनी डाउट देन प्लीज डू कमेंट मी, आई विल जस्ट रिपीट। ओके, तो अब मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है A1, B20 है ना, A9 और B9। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेता हूँ, A को 1 पुट करके B को 20। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी A1 और B20। गाइस आप पुट करो A को 1 एंड B को मैंने क्या पुट किया 20। आप देखो समझो, अगर आप B को 20 पुट कर रहे हो, दिस पोर्शन इज व्हाट B को अगर आपने 20 पुट किया है तो दिस इज व्हाट 4, 5, 6, 7, 8 भी आया था, यानी 8 भी इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 160। खुद समझो क्या ये 160 पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इन सब का रीजन का सम जो होगा माइनस 45 वाले कितने दिए हुए हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 100 आपको दिए हुए। ठीक है, मैंने बी को 20 पुट किया, ए को मैंने 1 पुट किया, यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है, नॉर्मल 1 पुट किया मैंने, बी मेरे पास पहले आ गया तो मैंने बी को पहले पुट कर दिया, यहाँ पर मैं डील कर रहा था। तो 160 जब इन सारे रीजन का सम 100 है तो इन तीन रीजन का सम 160 कैसे पॉसिबल है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास पॉसिबल नहीं होगी। एक की मेरे पास पॉसिबिलिटी बची, A इक्वल टू 9 एंड B इक्वल टू 9 मेरे पास। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो गाइज अब ये मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, रेशियो मुझे पता हुआ है, तीन रीजन का मुझे रेशियो दिया। ठीक, ए और आपका इसे भी आप हटा दो फिलहाल के लिए, आपकी लगभग कुछ वैल्यूज निकल कर आ गई। ठीक, चलिए तो हम ए और बी को दोनों को 9 और 9 पुट करेंगे, देन आई गॉट दिस। तो इसमें था 4, 1, 6 यानी 4, 1 और 6, ए और बी को दोनों को आप क्या पुट करो 9 और 9 पुट करो, क्योंकि मैंने दो पॉसिबल पेयर आपके निकाले थे, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ए 9 और B 9 ही आपका सेटिस्फाई। ठीक, तो नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप 4, बस मैंने वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर मैंने ए लिया था जो इसका रीजन है 4, 1 और 9, 4, 9 जा कितना हुआ 36 एंड दिस इज इक्वल टू 9 और ये वाला पोर्शन मेरे पास कितना आया था 6, 6 × 9 दिस इज व्हाट 50। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पर कितना था 3, 1 और 4, 3 मतलब दिस इज 27, 1, 1 मेरे पास कितना है दिस इज 9 एंड दिस इज 4 दिस इज व्हाट 36। गाइस इन तीनों का सम और इन तीनों का सम बराबर आएगा 170। अब आप देखो ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन मेरे लिए निकालना बहुत आसान है, इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन का जो सम मुझे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये दोनों जो बॉय प्लस गर्ल वाला सीन है या माइनस 45 प्लस 45 दोनों का एड करके ये एक सिंगल रीजन रिप्रेजेंट। ठीक, अब आप समझना दिस इज 29
और ये वाला पूरा रीजन तो मेरे पास आ गया ना, दिस इज 27 प्लस 36, दिस इज 9, ठीक है। ये वाला रीजन मेरे पास कितना दिया होता है, 25 दिया होता है, ठीक है। तो आप देखो इस पूरे रीजन का जो सम आया वो कितना आया, 63 और 9 72, दिस इज 72 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 26 प्लस 36 प्लस 9 और प्लस 25 ये रीजन है। तो गाइज ये 72 प्लस ये वाला रीजन, तीनों रीजन का सम कितना है, 25। आई होप दिस इज क्लियर। ये चारों रीजन 72 में आ गए, नो दिस इज नॉट, सॉरी ये चारों रीजन नहीं आया मेरे पास, ये वाला रीजन 27, 36 और 9 ये कितना आया, 72। और इसका सम कितना आ रहा है, 25। तो गाइस बचा कौन सा होगा, सिर्फ ये सम टोटल कितना दिया हुआ, 100। आई एम जस्ट रिपीटिंग, एक बार मैं लिख देता हूँ वैल्यूज ताकि क्लियर हो, 100 था टोटल सबका सम। अब इन तीनों का सम किया, दिस इज 72 माइनस ये वाला कितना है, 0, ठीक है। और माइनस अब कौन से रीजन बचे, ये दो रीजन बचे, माइनस ये वाला दो रीजन बचे, कितना आया, 25। और इस वाले पोर्शन की वैल्यू नहीं पता थी, दिस इज 100 माइनस कितना आया, 97, एंड दिस रीजन इज इक्वल टू व्हाट, 3। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये वाला आ गया। अब गाइस देखो इसका सम और इसका सम दोनों का मिला के कितना आता है, 29। तो ये वाला जो पोर्शन आ गया, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 26, ठीक है। और ये वैल्यूज मुझे कितनी दी हुई थी, 70। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है गाइस। तो आई थिंक अब मैं शायद कुछ और वैल्यूज निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, वो अभी मुझे शायद क्वेश्चन को देख के करना पड़ेगा, या अदरवाइज हम लोग एक बार और देख लेते हैं। टोटल आप फिल कर लो इसके अंदर, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो टोटल 200 तो था मेरे पास, दिस इज व्हाट 200, ये रीज़न नहीं पता, ये वाला मैंने रीज़न निकाल दिया। एंड गाइज आप टोटल की अगर बात करोगे यहाँ पे, है ना, तो इसका आप देख लो, देखो 27 एंड 36, 7 और 6 63 आएगा, है ना, ये वाला रीजन आ गया 63। एंड आप क्या कर सकते हो, और चलो 54 एंड 36, दिस रीजन इज 90, ठीक है। दिस इज 9 एंड 9, दिस इज 18, एंड दिस इज व्हाट, 20, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर और कुछ वैल्यू निकल सकती है, गाइस निकल तो सकती है, इस होल में तो निकल सकती है। देखो ये 200 था ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज 200, दिस होल पोर्शन इज 200, 90 एंड 29, ये कितना आया मेरे पास, 9, दिस इज 9, और 9 और 2 कितना आ गया, 11, 119 मेरे पास आ गया। वैसे समझना, दिस इज 119, ठीक है। तो ये पूरा 119 है ना, और मुझे ये पूरा कितना दिया हुआ, रीजन 200 दिया हुआ है, ये रीजन ये और ये 200 है। तो गैस बचा कौन सा मेरे पास, 200 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरे पास ये रीजन निकल कर आ गया कितना, 80। अब 81 अगर ये निकल कर आ गया मेरे पास, तो देखो इन दोनों का सम कितना आया था, 100। अगर इसका और इसका सम अगर 100 है, तो ये वाला जो रीजन बच गया वो मेरे पास कितना बच गया, 90। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, मैंने क्या किया, जब इंडिविजुअल निकल के आ गया था, तो इन तीनों उसका अलग अलग डिफरेंट सम निकाल दिया, कैसे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यूज है इनका सम रिप्रेजेंट कर रही है, 27 प्लस 36 63, 36 प्लस 54 दिस इज 90, 0 प्लस 0 9 0 आ गया, 3 एंड 26 20। इस पूरे सर्कल का भी जो सम आपको दिया हुआ है, दिस इज 200 आपको दिया, ठीक है, दिस इज 200, है ना। और आप क्या कर रहे हो अभी, अगर ये वाला रीजन पूरा 200 है मेरे पास, है ना, तो 90 ये आया था, 29 ये आया था, ये रीजन मैं निकाल सकता था, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0, तो तीन का सम पता है आपको, एक निकल सकती है 200 में से, इन तीन दोनों का सम मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मुझे इसका और इसका सम पता था 100, 81 ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, 90। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है गाइस। अभी इंडिविजुअल बाइफरकेशन में नहीं कर पा रहा, इंडिविजुअल बाइफरकेशन में मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए, सपोज ये 81 है, इन दोनों का सम 81 है ना, और इन दोनों का इंडिविजुअल सम मुझे नहीं पता, तो आई थिंक देखते हैं, चलो आगे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, शायद अभी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हम लोग इस इंडिविजुअल, इसकी और इसकी, ये दिस रीजन एंड दिस रीजन, ठीक। सम पता है अपने को, ये दोनों का सम और ये दोनों का सम, टोटल कितना था 100, इसका मतलब इस वाले रीजन और इस वाले रीजन का सम भी कितना आएगा, 81, और ये रीजन भी कितना आएगा मेरे पास, ठीक। तो चलिए मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको, ताकि क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, है ना, तो उसमें मेरे को पता होना चाहिए कौन कौन से रीजन मैं लूंगा।
जस्ट वेट। तो गाइज टोटल में तो मुझे पता चल गया, मीन टोटल का तो मेरे पास सीन है, बट मैं ये वाले जो अलग अलग रीजन है ना प्लस 45 माइनस 45 में ये डिफरेंशिएट में नहीं कर, ठीक है। तो चलिए जस्ट वेट, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको आप रब कर दीजिए। यस, फाइंड हाउ मेनी पीपल अमंग कोविड पॉजिटिव सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ टेस्ट। गाइज लॉस ऑफ टेस्ट चाहिए, कोई बाइफर्केशन नहीं है प्लस माइनस का, आई मीन पर्टिकुलरली ये बॉय और गर्ल या ऐसी कुछ बाइफर्केशन नहीं कर रहा। तो टोटल में मुझे निकालना है सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ टेस्ट। तो टोटल का मैंने यहाँ से आपका रिप्रेजेंट किया हुआ, दिस इज टोटल ना लॉस ऑफ टेस्ट ओनली, दिस इज ओनली 19। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली 19 आपके पास। अगर मुझे डिफरेंट करना पड़ता डिफरेंशिएट इसका इसका सिंगल रीजन मानता तो मांगता मेरे से, तो शायद मैं नहीं निकाल पाता, क्योंकि मेरे पास सम दिए हुए हैं है ना, कोई भी एक वैल्यू बाइफरकेट यहाँ पे और यहाँ पे मैं नहीं कर, ठीक। तो अभी फिलहाल मतलब नहीं है 19 इसका आंसर होगा, क्योंकि वो टोटल में मांग रहा है लॉस ऑफ टेस्ट। आई एम जस्ट रिपीटिंग, हाउ मेनी पीपल अमंग कोविड पॉजिटिव जिनको लॉस ऑफ टेस्ट की प्रॉब्लम, ओनली सिर्फ लॉस ऑफ टेस्ट, सिर्फ लॉस ऑफ टेस्ट का रीजन ये वाला 19 हुआ। देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट आप आ जाइए ना, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव पीपल ऑफ एज 45 इयर्स और मोर, है ना, एज ऑफ 45 इयर्स और मोर, दोज हैविंग सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ टेस्ट ओनली, सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ टेस्ट ओनली, एंड नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव पीपल ऑफ लेस देन 45 इयर्स एज, दोज सफरिंग फ्रॉम बोथ चेस्ट पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट नॉट। तो गाइज अब इसने 45 और इसका आपका अब बाइफर्केशन कर दिया है, ठीक है। तो मैं एक बार यहीं पे वेन डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बार बार अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, आई मीन स्लाइड चेंज करूँ तो शायद प्रॉब्लम हो, ठीक है। जस्ट वेट एक मिनट, आप रुक जाइए, मैं सारा फिल कर लेता हूँ, है ना, जस्ट वेट। यस, तो ये मेरे पास जल्दी जल्दी से फिल कर दे, फीवर था मेरे पास, चेस्ट पेन था, लॉस ऑफ टेस्ट था, और नेक्स्ट वाला ये वाला मेरे पास प्लस 45 था, ये टोटल डाटा मेरे पास कितना आ रहा था, आई थिंक 200 था, है ना, और ये मेरे पास 100 था माइनस का 45, और ये 9 था, यस नहीं दिस इज 27 और 9 एंड दिस इज व्हाट 36, और ये जो रीजन था आई थिंक मेरे पास रेशियो क्या था, लेट मी चेक, यस दिस इज 36 9 3, 36 54 9 36 54 9 26, इन दोनों का सम, ये जीरो था और ये जीरो था, इन दोनों का सम जो आया था वो मेरे पास कितना दिया हुआ था, इधर 25, और इन दोनों का जो सम आया था दिस इज इक्वल टू 70। एफ सी एल ये 100 था टोटल, और ये मेरे पास टोटल कितना था, ठीक। गाइस यहाँ पे भी आप देख लो, टोटल भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है, टोटल भी शायद मुझे पता था कितने कितने रीजन थे, ये मेरे पास टोटल था 200, दिस इज अगेन 200, और ये दोनों का सम ये 81 था, ये मेरे पास कितना था 19, और यहाँ पर आई थिंक आया था 63 से आप ऐड कर लो, इसे मैंने किया था 90, है ना, और दिस इज 29 और जस्ट वेट दिस इज 18। यस गाइज ऑल ग्रेट फील्स, ठीक है, अब आप देख लो आराम से, है ना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन का लैंग्वेज में थोड़ा सा है ना आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। दिस इज अब मुझसे मांग क्या रहा है वो अपने को देखना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव पीपल ऑफ एज ऑफ 45 इयर्स और मोर सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ टेस्ट ओनली। गाइज समझना, कोविड पॉजिटिव पीपल ऑफ 45 इयर्स ऑफ एज ऑफ मोर, तो गाइज ये प्लस 45 वाला था, ठीक है, मुझे जो वैल्यू चाहिए कौन से वाले रीजन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, समझना, दिस रीजन आई मीन ओनली लॉस ऑफ टेस्ट ये वाला रीजन, ठीक है, एंड क्या मांग रहा है, दोज आर सफरिंग इतना एंड लॉस ऑफ टेस्ट एंड ओनली एंड द नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव पीपल लेस देन 45 इयर्स इज, दोज आर सफरिंग फ्रॉम लेस देन 45, दोज सफरिंग फ्रॉम क्या,
चेस्ट पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट बट नॉट फीवर. तो चेस्ट पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट बट नॉट फीवर. तो गाइज मुझे इस वाले रीजन की वैल्यू चाहिए, इस वाले रीजन की और इस वाले रीजन की वैल्यू का क्या चाहिए अपने को, डिफरेंस अपने को चाहिए. ठीक है, तो आप इसको कैसे डील करते हो, देखो ये इंपॉर्टेंट है. आप समझना थोड़ा सा कि सपोज मेरे पास समझना, मुझे ये रीजन चाहिए ना, इस रीजन का और इस रीजन का मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस मुझे चाहिए. ठीक, आप देखो इन दोनों का सम आपको कितना दिया हुआ है, इन दोनों का जो सम आपको दिया हुआ है ना लेस देन 45 है, इन दोनों का सम मेरे पास 25 है ना. अगर मैं ये रीजन सपोज x मान लेता हूं, तो ये वाला जो रीजन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज 25 माइनस कितना हो जाएगा x. आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर है. ठीक है, अगर ये रीजन x हुआ तो ये वाला जो रीजन हो जाएगा दिस इज 25 माइनस x. मुझे इन दो वैल्यू का क्या चाहिए, डिफरेंस. अब गाइस आप देखो कि इस वाले रीजन और इस वाले रीजन की जो वैल्यू मुझे दी हुई है ना, यानी दिस इज 25 माइनस एक्स अपने को दिया हुआ है एंड दिस इज व्हाट, यहाँ पर इन दोनों का सम 75 है. अगर मैंने माना ये रीजन एक्स है तो ये वाला जो बचा हुआ कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना दो है 25. अब आप समझो इस वाले रीजन और इस वाले रीजन, दिस रीजन, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है ना, वो मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है 81. ठीक है, या मैं आपसे बोल सकता हूँ यहाँ पे आप आ जाओ, ऐसे भी मत करो, 19 अगर मुझे ये रीजन दिया हुआ है, लेट इट बी 19, अगर मुझे ये रीजन 19 दिया हुआ है, ऐसे आप कर सकते हो. तो इसका सम और इसका सम मेरे पास कितना आना चाहिए 19. तो सिंपल सा मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला रीजन मेरे पास कितना आ जाएगा 19 माइनस एक्स. आई होप आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, समझना, मुझे इस वाले रीजन और इस वाले रीजन की मुझे ये वाला रीजन चाहिए था है ना, दिस रीजन एंड ये वाला रीजन, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था मुझे, इन दोनों का क्या चाहिए था, डिफरेंस चाहिए था, दिस रीजन एंड दिस रीजन. मैंने क्या माना, अगर ये वैल्यू x है तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का सम कितना आया था मेरे पास 25. अगर ये x हुआ तो ये वाला रीजन कितना हो जाएगा 25 माइनस. अगर ये रीजन मेरे पास दिस रीजन एंड दिस रीजन दोनों का ओनली ओनली वाला डाटा कितना दिया हुआ है 19, अगर ये 19 है तो दैट मीन्स अगर एक वैल्यू x थी तो ये वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 19 माइनस कितना हो जाएगा x. तो गाइस आई एम जस्ट रिपीटिंग कि कोविड जो कोविड 45 ईयर एज और मोर दोज सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ टेस्ट ओनली, तो लॉस ऑफ टेस्ट ओनली ये वाला हो गया 19 माइनस कितना आ जाएगा मेरे पास x, ये वाली वैल्यू. इसका डिफरेंस चाहिए था चेस्ट पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट बट नॉट फीवर. चेस्ट पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट बट नॉट फीवर. तो गाइज ये रीजन था, दिस इज 25 माइनस एक्स, दिस इज व्हाट, डिफरेंशिएट करो 25 माइनस एक्स, गैप मुझे चाहिए होगा. तो वट एवर दिस इज 25 माइनस एक्स माइनस 19 प्लस एक्स, जस्ट कैंसिल आउट 25 19, वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6. तो गाइज लग रहा था स्टार्टिंग में कि ये हम वैल्यू देखो इंडिविजुअली हमने वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे है ना, बट इसने जो मांगा था उसका गैप हमने आराम से निकाला. ठीक है, मैंने क्या किया, एक बार जल्दी से दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो x ये रीजन माना, तो इन दोनों का सम 25 था, दिस रीजन इज 25 माइनस, इस रीजन की वैल्यू मेरे को चाहिए थी, दिस रीजन. यहाँ पर इसका सम ओनली वाला और इसका सम ओनली वाला, ये कितना दिया हुआ 19, अगर x है तो ये कितना हो गया 19 माइनस x. गाइस ये रीजन और ये रीजन का गैप आप ले लो, x x कैंसिल आउट होगा, गैप कितना देगा 6. इट्स ए वेरी वंडरफुल सेट गाइस. ठीक है, मैं बार बार आपको ना जी मुझे लग रहा है जिस जिस पॉइंट में शायद कन्फ्यूजन हो सकता है वहां पे बार बार आपको रिपीट करो. ठीक है, एक बार आप खुद से और करोगे है ना तो आप शायद आपको और ज्यादा क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वो क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हाउ मेनी पीपल अमंग कोविड पॉजिटिव 45 इयर्स एज और मोर आर सफरिंग फ्रॉम फीवर. सिंपल है गाइस, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा निकाल दिया मैंने, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम कोविड पॉजिटिव 45 और एज और मोर का दिया हुआ है सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो सफरिंग फ्रॉम फीवर मुझे निकालना है, तो ये वाला रीजन मुझे चाहिए 45 और एज और मोर सफरिंग फ्रॉम फीवर. आप निकाल दो, ऑलरेडी देखो आपने निकाला हुआ है, जैसे मर्जी आप कर लो, 36 था, 36 54 9 एंड 26. ठीक, 45 में जो सफरिंग फ्रॉम फीवर, सिर्फ फीवर मुझे चाहिए, फीवर मतलब चारों रीजन में ले लूंगा. तो दिस इज 36, मैं उधर लिख देता हूँ 36 54 9 एंड 26, 36
प्लस 54 9 एंड 26 तो गाइस दिस इज व्हाट ये मेरे पास आ गया 90 और इसको आप ले लो 26 और 9 यानी कितना हो जाएगा 25 26 और 9 35 है ना और दिस रीजन इज व्हाट इक्वल टू 1 I'm just repeating again. How many people COVID positive of 45 years of age are suffering from fever? Fever से suffering कितना है? 45 years age or more में this is 36, 9, 26 and 54. And 36 and 54 this is 90, 99 or 26 this is what 120. So answer of this question is what 125 आपके पास. तो गाइज है ना तो बहुत अच्छा सेट था आप खुद से ट्राई करो कुछ पॉइंट्स में हो सकता है शायद कंफ्यूजन हो जस्ट वॉच द वीडियो है ना एक बार खुद से पेन पेंसिल लेके आप करिएगा देन डेफिनेटली यू विल है ना अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत सॉल्व होगी ठीक है चलिए थैंक यू थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो आई थिंक ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल या फ्रूटफुल रहा होगा ठीक है चलिए थैंक यू थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो